हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिश ट्यूशन। मैं राहुल कुमार। स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एससी और मैथ्स चैप्टर 29 ऑब्जेक्टिव 1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन है, व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज इंक्रीज्ड। दो चार्ज है, दोनों के बीच के सेपरेशन को अगर हम बढ़ाते हैं, दोनों के बीच के मान लेते हैं एक चार्ज है प्लस Q1, एक दूसरा है प्लस Q2, क्लियर है। उसके सेपरेशन को बढ़ाते हैं, अभी मान लिया r डिस्टेंस पे, क्लियर है। और इसके सेपरेशन को जब हम बढ़ाते हैं तो क्वेश्चन पूछ रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेज। तो ये जो सिस्टम है हमारा, दो चार्जेज का जो सिस्टम है, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या सेम रहेगा, या घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। क्लियर है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर पहले मेथड की बात करें स्टूडेंट, M1 मेथड फर्स्ट, चलिए ठीक है। पहले आप इसे आसानी से, चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं सिंपल। अगर फॉर्मूला बेस्ट बात करें तो देखिए, क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया गया है कि दोनों जो चार्ज पार्टिकल जो है वो मेरा सेम नेचर का है, अपोजिट नेचर का है, या दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है या अलग है। मतलब कि बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। हो सकता है कि दोनों चार्ज जो है मैग्नीट्यूड अलग अलग, चलिए इन जनरल मान लेते हैं, एक का Q1 एक का Q2। हो सकता है दोनों चार्ज सेम नेचर का हो, दोनों पॉजिटिव हो, या ये भी हो सकता है कि दोनों जो है दोनों नेगेटिव हो, -Q1 -Q2। या फिर हो सकता है कि पहला वाला पॉजिटिव हो, दूसरा वाला नेगेटिव हो, या फिर हो सकता है पहला वाला नेगेटिव हो, दूसरा वाला पॉजिटिव हो। आप समझ सकते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस हो सकते हैं, क्लियर बात है। इनिशियली जो भी सिचुएशन हो, इनिशियली मान लेते हैं डिस्टेंस सबके बीच का आर है। किसी भी केस में डिस्टेंस आर है। क्वेश्चन आप कह रहा है कि अगर डिस्टेंस को हम बढ़ा देते हैं, डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, मतलब शुरू में मान लिया अगर आर डिस्टेंस था, बाद में मान लेते हैं ये Q1 है, मतलब ऑब्वियस है प्लस Q1, और मान लेते हैं अब ये प्लस Q2। अब देख सकते हैं दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम बढ़ा चुके हैं। मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है, अब मान लिया R प्लस D हो गया, डिस्टेंस को बढ़ा दिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। स्टूडेंट, फॉर्मूला बेस्ड अगर हम लोग बात करें तो बहुत इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। दो चार्ज का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला स्टूडेंट होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को नॉर्मली हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज गिवन बाय U इक्वल टू K इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। जहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको बी केयरफुल रहना है, यहां पर Q1 और Q2 को इसका मैग्नीट्यूड नहीं है, हम लोग इसको यहां पर इसके साइन के साथ लेते हैं। जो पॉजिटिव है पॉजिटिव लेते हैं, जो नेगेटिव है नेगेटिव लेते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, के आप समझ रहे हैं यहाँ पे 1/4 pi epsilon naught, अगर एयर में रखा हुआ है तो, और अगर मान लिया किसी मीडियम में रखा है तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 pi epsilon naught epsilon r। यहाँ पे ये डायरेक्टली कांस्टेंट हो जाएगा उस मीडियम का, आप समझ रहे हैं, कंसेप्ट शुड बी क्लियर। चलिए ठीक है, के जो भी है कॉन्स्टेंट यहाँ पर है। अब शुरू में अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम बात करें, स्टार्टिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली UI अगर हम मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, K into Q1 Q2 by R, ठीक है। और बाद में स्टूडेंट क्या हो जाएगा, बाद में क्या हो जाएगा, UF इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनली क्या हो जाएगा, K into Q1 Q2 divided by R plus D, क्योंकि बाद में डिस्टेंस क्या हो गया, R प्लस डी हो गया। अब चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर जब दोनों चार्ज पार्टिकल या तो मेरा पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, इस केस में क्लियर बात है, इस केस में ध्यान दीजिए, ये मेरा जो ऊपर वाला टर्म है, या तो दोनों पॉजिटिव हो तो भी ऊपर वाला टर्म पॉजिटिव रहेगा, या फिर दोनों नेगेटिव हो तो भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होगा तो भी ये ऊपर वाला टर्म पॉजिटिव रहेगा, ये तो पॉजिटिव है ही, चलिए ठीक है। तो उस केस में, इन दोनों केस में जब दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, उस केस में ध्यान दीजिए क्या होगा, ये टोटल टर्म आपका पॉजिटिव, मान लेते हैं ये इतना जो टर्म है, ये इसका जो वैल्यू है, मान लेते हैं सपोज कीजिए 50 आया, 50, 50, मतलब ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई आर, क्लियर है, और ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई आर प्लस डी, क्लियर बात है। चलिए और भी मान लेते हैं, मान लेते हैं डिस्टेंस शुरू में 5 है, 5 मीटर, हालांकि बहुत ज्यादा हो रहा है यहां पर 10, एक रफली मान लेते हैं समझने के लिए। चलिए जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, उस केस में ध्यान दीजिएगा, ये इसका वैल्यू आ जाएगा 10, इसका वैल्यू आ जाएगा 5, क्लियर बात है। मतलब मेरा इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मेरा ज्यादा हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी से, इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मेरा ज्यादा हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी से,
क्यों? क्योंकि बाद में जब आप डिस्टेंस को बढ़ा दिए, डिस्टेंस को बढ़ा दिए तो पोटेंशियल एनर्जी मेरा घट गया, चूंकि तो ऊपर में पॉजिटिव था इसलिए पोटेंशियल एनर्जी घट गया, मतलब कि आर आपका बढ़ा और पोटेंशियल एनर्जी घटा। ये किस केस में? वेन ऑफ सेम साइन, वेन ऑफ सेम साइन, ध्यान दीजिएगा, जब दोनों चार्ज पार्टिकल जब सेम साइन का हो रहा था, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, उस केस में डिस्टेंस को जब हम बढ़ाए, डिस्टेंस को जब हम बढ़ाए 5 से 10 किए, आर से आर प्लस डी किए, क्लियर है, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी जो है घट गया 10 से 5, पोटेंशियल एनर्जी घट गया, क्लियर बात है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब अपोजिट साइन होगा इस केस में क्या होगा, जब दोनों में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, उस केस में ध्यान दीजिएगा क्या होगा स्टूडेंट, यहां से आप समझ सकते हैं, ये के क्यू वन क्यू टू इसका वैल्यू अगर हम लोग मान लें 50 मान रहे थे, तो यहां पर इस केस में इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है ये हो जाएगा माइनस 50 बाई 5 माइनस, ये चूंकि ऊपर में तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 50 बाई 5, डिस्टेंस शुरू में 5 मान रहे हैं आर का वैल्यू, और फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा ये माइनस 50 बाई 10, डिस्टेंस मान लिया 5 से फिर 10 कर दिए, क्लियर बात है। मतलब कि ध्यान दीजिए यहाँ पर इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका वैल्यू आ गया माइनस 10 और फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका वैल्यू आ गया माइनस 5, ध्यान दीजिएगा। अब ये माइनस 10 और माइनस 5 में, माइनस 10 और माइनस 5 में आपका कौन बड़ा है? माइनस 10 और माइनस 5 में आपका बड़ा है माइनस 5, माइनस 5 बड़ा है, क्लियर बात है, नेगेटिव साइन लगा हुआ है इसलिए माइनस 5 आपका बड़ा हो गया, मतलब ये जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है ये मेरा बढ़ गया, बढ़ गया, मतलब कि फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी है ये मेरा बढ़ गया। कब बढ़ गया? व्हेन डिस्टेंस जो है हम बढ़ा दिए, डिस्टेंस जब हम बढ़ा दिए 5 से 10 कर दिए, आर से आर प्लस डी कर दिए, डिस्टेंस जब बढ़ा दिए तो मेरा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है, फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी है ये मेरा बढ़ गया। मतलब यहां पर क्या हो रहा था, डिस्टेंस बढ़ा रहे थे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी घट रहा था, यहां डिस्टेंस बढ़ाए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये आपका क्या हो गया, आपका बढ़ गया। मतलब कि क्लियर है कि फाइनल जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी है ये मेरा घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, जब दोनों सेम नेचर का होगा, जब दोनों सेम साइन का होगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, और जब दोनों अपोजिट साइन का होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो है मेरा बढ़ जाएगा। बहुत ही क्लियर है, बहुत ही बेसिक, एकदम इसको आसानी से फॉर्मूला से हम लोग समझ सकते हैं। तो इसका आंसर स्टूडेंट क्या हो गया, मे इंक्रीज और डिक्रीज, क्लियर स्टूडेंट। चलिए इसे आप इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, थ्योरी के आधार पे आप लोगों ने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट पढ़ा है उसके आधार पर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। याद कीजिए स्टूडेंट, ग्रेविटेशन चैप्टर में आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, किसी भी सिस्टम का ये नेचुरल टेंडेंसी होता है कि वो अपने पोटेंशियल एनर्जी को घटाना चाहता है, पोटेंशियल एनर्जी को नेचुरली वो ट्राई करता है मिनिमाइज करने का, क्लियर है। इनफैक्ट ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है एंड यू शुड नोट दिस, आपको इसे नोट कर लेना चाहिए, एवरी सिस्टम tries to minimize their potential, naturally tries to minimize their potential naturally, जैसे एक example recall कीजिए, basic example, किसी भी object को जब मान लिया आप कोई ball है, आप जब उसे छोड़ देते हैं भाई तो ये नीचे ही क्यों आता है, ये नीचे इसलिए आना चाहता है, ये नेचुरली नीचे ही आना चाहेगा क्योंकि इससे इसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। याद कीजिए इसका पोटेंशियल एनर्जी मान लिया अगर h हाइट पर है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है mgh, नीचे आएगा मतलब h घटता चला जाएगा, मतलब ये mgh जो है h घटेगा तो ये टोटल टर्म भी घटेगा, क्लियर बात है। मतलब नेचुरली भाई ये नेचुरली इसलिए नीचे आना चाहेगा क्योंकि नीचे जब आएगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, इसलिए नेचुरली ये नीचे ही आना चाहेगा, क्लियर बात है, एग्जैक्टली। अब चलिए यहां पे आते हैं, सेकेंड मेथड हम लोग देख रहे हैं। यहां पर देखिए, जब भी या तो दो चार्ज पार्टिकल, बहुत ज्यादा इसमें आप बिना इनफैक्ट पेन का यूज के भी समझ सकते हैं, यहां पर थ्योरी के आधार पे जब दोनों चार्ज पार्टिकल सेम नेचर के होंगे, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा, तो क्या होगा उस केस में दोनों एक दूसरे से नेचुरली दूर जाना चाहेगा, दोनों या तो पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो नेचुरली दूर जाना चाहेगा, मतलब रिपल्सिव फोर्स के चलते दोनों एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, दूर जाना चाहेगा, मतलब उस केस में क्या होगा, मेरा पोटेंशियल एनर्जी जो है उस सिस्टम का वो घटेगा,
डिस्टेंस बढ़ रहा है, दूर जाना चाह रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर जो है वो बढ़ रहा है, और नेचुरली वो दूर जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो नेचुरली जब दूर जा रहा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। क्लियर बात है? ऑफ सेम साइन, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं जब दोनों सेम साइन का है। क्लियर बात है? इस कंसेप्ट के आधार पर अब जब दोनों अपोजिट नेचर का होगा, समझिएगा, जब दोनों अपोजिट नेचर का होगा, एक प्लस और एक माइनस, तो नेचुरली क्या होगा, एक दूसरे के नजदीक आना चाहेगा, दोनों एक दूसरे पर अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगाएगा, तो नेचुरली इस केस में एक दूसरे के नजदीक आना चाहेगा, मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब दोनों एक दूसरे के नजदीक आएगा तो उस केस में क्या होगा, उसका आर जो है घटेगा, दोनों के बीच का सेपरेशन घटेगा, दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहा है, तो नेचुरली जब नजदीक आ रहा है आर घट रहा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी घट रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई आर को बढ़ाया जा रहा है, तो जब दोनों अपोजिट नेचर का होगा तो आर कैसे बढ़ेगा, नेचुरली नहीं बढ़ेगा दोनों के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि नेचुरली तो दोनों एक दूसरे के नजदीक आना चाहेंगे, आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा और उसके बाद दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे के नजदीक आना चाह रहा था, अपोजिट नेचर का चार्ज था, लेकिन अननेचुरली उसको आप पे अलग, आपको अलग फोर्स लगा के दूर करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा मतलब डिस्टेंस को आप बढ़ा रहे हैं, तो ये तो नेचुरली नहीं हो रहा है, इसलिए इसका पोटेंशियल एनर्जी इस केस में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर बात है? जब अपोजिट साइन है, ऑफ अपोजिट, जब अपोजिट साइन है तो क्या हो रहा है, डिस्टेंस को आप बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। क्लियर बात है? इस चीज को मैथमेटिकली भी फॉर्मूला पे हम लोग देखे थे इसके पहले वाले मेथड में, और जब दोनों सेम नेचर का होगा तो डिस्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ेगा मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑटोमेटिक घटेगा उस केस में। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहां पर भी आप समझ सकते हैं इसके आधार पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ भी सकता है, पोटेंशियल एनर्जी घट भी सकता है, डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ द टू चार्ज पार्टिकल। क्लियर है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेकेंड वाले मेथड में अगेन कोई कंफ्यूजन है आप फिर से मेरी बातों को सुने, वीडियो को पॉज करके अगेन रिपीट करके कंसेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद में नहीं होता है तो कमेंट करें, जवाब दिया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।